अनुपम सुमन थे वह थोड़ा अपने ढंग से मनमौजी थे। रिपोर्ट पूरी हमारे विभाग के जो प्रधान सचिव है वहाँ तक भी नहीं पहुँचता था। अनुपम जी को कहा कि आपके नगर निगम का रिव्यू करो, मैं चाहूँगा कि महापौर अनुपम जी के लिए एक जोरदार ताली बजाते हुए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेस। परेशान पटना को मैं दो वीडियो दिखाता हूं, फिर आप तय कीजिए कि बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा कितने बड़े झूठे हैं। क्या उन्हें इतना बड़ा झूठ बोलना चाहिए, और यदि वे इतना बड़ा झूठ बोलते हैं तो क्या उन्हें बिहार के मंत्री पद पर बने रहना चाहिए, क्या उन्हें तुरंत इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। आप तय कीजिए पटना के लोगों, यह सुरेश शर्मा बिहार सरकार के मंत्री मौके के कैसे यार बन जाते हैं और कैसे स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पटना को छलते हैं, पटना को ठगते हैं। देखिए पहला वीडियो, ये वर्तमान का वीडियो है, दो दिनों पहले का, जब बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पटना में जल जमाव और जल प्रलय को लेकर पटना नगर निगम के पूर्व प्रशासक अनुपम सुमन IAS को दोषी ठहरा रहे थे। क्या कह रहे थे? मनमौजी हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। सुनिए पूरी बात को। अनुपम सुमन थे वह थोड़ा अपने ढंग से मनमौजी थे, काम ठीक उनके, वो रिपोर्ट पूरी हमारे विभाग के जो प्रधान सचिव है वहाँ तक भी नहीं पहुँचता था, और आज उसका खामियाजा पूरी जनता भोग रही है। आपने शिकायत भी की थी इस दरमियान? हमने कई एक शिकायत भी की है, मुख्यमंत्री भी उनके ऊपर शोकॉज किए हैं, उन्होंने भी कार्रवाई की है, इसके बाद वो रिजाइन दे के चले गए। तो क्या लगता है कि वो अगर सही ढंग से काम किए तो पटना में आज जिस हालात से लोग गुजर रहे शायद नहीं होता। देखिए, अगर जो स्थिति आई है उसमें उसमें विशेष काम अगर हुआ रहता, ये तो शेड्यूल वर्क है, पानी तो यहाँ का निकलता सब सम्प हाउस से है। अगर विशेष योजना हम इस आपत समस्या के लिए किए रहते तो शायद इतना कष्ट नहीं हो सकता। तो आपने सुन लिया, सुरेश शर्मा को बिहार सरकार के मंत्री को, बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री को। अब आपको हम दूसरा वीडियो दिखाते हैं, ये जून महीने का है, जब पटना नगर निगम के वर्तमान मेयर सीता साहू के कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। सुनिए पूरी बात को, यहाँ वे ही सुरेश शर्मा नगर विकास मंत्री कैसा गुणगान कर रहे हैं अनुपम सुमन का, ऐसा गुणगान कर रहे हैं जैसे पटना को तार दिया अनुपम सुमन ने। ये सुरेश शर्मा मंत्री तालियां बजवा रहे हैं सीता साहू के लिए, तालियां बजवा रहे हैं अनुपम सुमन के लिए। तो ये चाल चरित्र समझिए, देखिए पूरा वीडियो देखिए किस तरीके का गुणगान हो रहा है। और इस मंच पर बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव भी बैठे हैं, सीता साहू भी बैठी हैं, देखिए आपका मंत्री कितना झूठ बोलता है। हमने जब देखा कि 2 साल पूरने वाला है और क्या हुआ, क्या खोए, क्या पाए, तो हमने त्वरित ढंग से अनुपम जी को कहा कि आपके नगर निगम का रिव्यू करो। उन्होंने कहा वेलकम है सर, और मैंने इसलिए रिव्यू किया कि जो बातें रिपोर्ट कार्ड में आ रही है, जो बातें हम देख रहे हैं, जो बात हम सुन रहे हैं, वह हम अपने पदाधिकारी से भी जानकारी लें, और बिल्कुल सच मिला जो उन्होंने कहा। और आप वार्ड पार्षद गण भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि महापौर अनुपम जी के लिए एक जोरदार ताली बजाते हुए। आपने देख लिया दोनों वीडियो को, समझिए परखिए कि बिहार का मंत्री मौके से कैसे झूठ बोलता है, किस तरीके से आपको ठगता है, किस तरीके से कैसे आपको छलता है। क्या ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को बिहार में मंत्री बने रहना चाहिए? यह फैसला पटना को करना है।
हम सवाल आप पर छोड़ जाते हैं, आप देखते रहिए लाइव स्थितिस को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद। अनुपम सुमन थे वह थोड़ा अपने ढंग से मनमौजी थे। रिपोर्ट पूरी हमारे विभाग के जो प्रधान सचिव है वहाँ तक भी नहीं पहुँचता था। अनुपम जी को कहा कि आपके नगर निगम का रिव्यू करो। मैं चाहूँगा कि महापौर अनुपम जी के लिए एक जोरदार ताली बजाकर उनकी चाहूँगा।